हेलो नमस्कार दोस्तों, वैष्णव क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो के अंदर बात करेंगे जो आपके हाईकोर्ट एलडीसी की एग्जाम हुई है 12 और 19 मार्च को, उन दोनों के अंदर दोस्तों जो आपत्ति वाले प्रश्न है, जिन प्रश्न पर दोस्तों संशय है कि ये प्रश्न सही भी हो सकते हैं गलत भी हो सकते हैं, आपके अनुसार उसके उत्तर दोस्तों अलग बताए जा रहे हैं, उन सभी के दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं चर्चा करने वाला हूँ। दोस्तों वीडियो बहुत मेहनत से बनाया है, वीडियो दोस्तों लाइक और चैनल को सब्सक्राइब दोस्तों जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों इसके अंदर पहला प्रश्न है, राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? इसके दोस्तों जो ऑप्शन दिए गए हैं, सी एस वेंकटाचारी, टीकाराम पालीवाल, जय नारायण व्यास और हीरालाल शास्त्री। दोस्तों जो प्रश्न की भाषा इसके अंदर वो स्पष्ट नहीं है, प्रश्न की भाषा दोस्तों इसके अंदर बिल्कुल स्पष्ट नहीं है, प्रश्न की भाषा है अस्पष्ट भाषा है दोस्तों, क्योंकि जो राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री थे वो थे हीरालाल शास्त्री, और अगर आपसे निर्वाचित पूछ लिया जाता तो वो हो जाता टीकाराम पालीवाल। दोस्तों जो इसका प्रूफ है वो आपको राजस्थान राजव्यवस्था जो कि जनक सिंह मीणा की पुस्तक है उसके पेज नंबर 20 पे आपको दोस्तों इसका सी ऑप्शन मिल जाएगा। दोस्तों आपको इस प्रश्न के अंदर आपत्ति दर्ज करवानी है। दोस्तों अगला प्रश्न है, दोस्तों कौन सा स्वतंत्रता सेनानी राजस्थान से नहीं था? दोस्तों चार ऑप्शन है इसके अंदर, केसरी सिंह भारत, विजय सिंह पथिक, गणेश लाल व्यास या गणेश शंकर विद्यार्थी। दोस्तों अगर ये पूछ लेता कि कौन सा स्वतंत्रता सेनानी राजस्थान से संबंधित नहीं था तो इसका उत्तर हो जाता गणेश शंकर विद्यार्थी। दोस्तों हाईकोर्ट ने इसका सही उत्तर ये भी माना है गणेश शंकर विद्यार्थी, लेकिन इसका उत्तर सही यह नहीं है, क्योंकि दोस्तों जैसा कि हमने पढ़ा है जो आपके विजय सिंह पति के दोस्तों इनका जन्म हुआ था बुलंदशहर के अंदर, दोस्तों बुलंदशहर यूपी, और गणेश शंकर विद्यार्थी का जन्म हुआ था दोस्तों इलाहाबाद के अंदर, इलाहाबाद यूपी के अंदर। तो दोस्तों ये दोनों यूपी के हैं, दोनों ही राजस्थान से संबंधित नहीं है। दोस्तों इस प्रश्न के आपके डिलीट होने की पूरी पूरी संभावना है। इसके दोस्तों आपत्ति क्या है? आपत्ति यह दोस्तों विजय सिंह पथिक और गणेश शंकर विद्यार्थी दोनों राजस्थान से नहीं है। इसका प्रूफ क्या है दोस्तों? प्रूफ है आपके कक्षा 9 की किताब के अंदर, कक्षा 9 की राजस्थान अध्ययन की जो किताब है उसके अंदर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि विजय सिंह पथिक और गणेश शंकर विद्यार्थी दोनों का संबंध राजस्थान से नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सा नृत्य राजस्थान से संबंध नहीं रखता है? इसके दोस्तों चार ऑप्शन थे, कालबेलिया नृत्य, गैर नृत्य, घूमर नृत्य और झूमर नृत्य। दोस्तों जो हाईकोर्ट ने इसका सही उत्तर माना है वो माना है आपके झूमर नृत्य, लेकिन दोस्तों जो झूमर नृत्य है वो गुजरों का नृत्य है, राजस्थान के अंदर गुजरों का नृत्य है झूमर नृत्य। दोस्तों इसके अंदर आपत्ति क्या है? आपत्ति ये है कि ये जो चारों नृत्य दिए हुए हैं इन चारों का संबंध राजस्थान से है। दोस्तों इसका प्रूफ कहाँ पे है? इसका प्रूफ है दोस्तों राजस्थान इतिहास, संस्कृति, परंपरा और विरासत, हुकुमचंद जैन और नारायण लाल माली की दोस्तों ये पुस्तक है, इसके पेज नंबर 391 पे ये दिया हुआ है दोस्तों कि जो चारों नृत्य है ये राजस्थान से संबंधित है, और झूमर नृत्य के दोस्तों ये दिया हुआ है कि ये गुजरों से संबंधित है। दोस्तों इस प्रश्न पर भी आप अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? दोस्तों ऑप्शन है जैसलमेर, बाड़मेर, कच्छ और लद्दाख। दोस्तों अगर ये पूछ लेता कि राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है तो उत्तर होता आपके जैसलमेर, लेकिन दोस्तों ये प्रश्न बिल्कुल भी अपवाद वाला नहीं है, आपत्ति वाला प्रश्न बिल्कुल भी नहीं है। जो आपके दोस्तों इंडिया के अंदर जो विभिन्न डिस्ट्रिक्ट के दोस्तों जिले उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके देखेंगे तो आपको कच्छ का जो क्षेत्रफल मिलेगा वो मिलेगा 46,000 के लगभग, दोस्तों 46,000 वर्ग किलोमीटर के लगभग आपको इसका क्षेत्रफल मिलेगा, सबसे बड़ा जिला है कच्छ। दोस्तों इस पर आपत्ति आप बिल्कुल भी मत लगाना, ये एकदम सही उत्तर है, ये दोस्तों एकदम सही प्रश्न है। दोस्तों अगला आपत्ति वाला प्रश्न है, एलडीसी के अंदर निम्न में से भारत में सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य कौन सा है? इसके दोस्तों चार ऑप्शन थे दोस्तों इसके अंदर, गुजरात, अगला दोस्तों तेलंगाना दिया हुआ दोस्तों, एक दिया हुआ इसके अंदर महाराष्ट्र, चौथा है दोस्तों इसके अंदर राजस्थान। इन चारों के अंदर से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है जो कपास उत्पादन करता है? दोस्तों यह प्रश्न बिल्कुल आपत्ति वाला है, क्यों दोस्तों? क्योंकि 2020 और 21 के अंदर सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य था। दोस्तों ये प्रश्न बिल्कुल आपत्ति वाला है, क्यों दोस्तों? क्योंकि 2020 और 21 के अंदर सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य था महाराष्ट्र, 2022 के अंदर और ये 23 चल रहा है इसके अंदर सबसे बड़ा कपास उत्पादक जो राज्य है वो है आपके गुजरात। इसका दोस्तों प्रूफ कहाँ पे? प्रूफ भी आपको बताता हूँ, प्रूफ है दोस्तों इसका PIB.gov.in की जो ऑफिशियल वेबसाइट है गवर्नमेंट की, भारत सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट है, इसके ऊपर इसका सही उत्तर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है उसके अंदर दोस्तों? उसके अंदर ये दिया हुआ है कि जो 2020 और 21 के अंदर था महाराष्ट्र, और 2022 के अंदर जो कपास उत्पादक राज्य है दोस्तों
वह गुजरात का सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य। दोस्तों अगला आपत्ति वाला प्रश्न है, हाईकोर्ट एलडीसी के अंदर भारत के अंदर राजस्थान किस खनिज की 90% आपूर्ति करता है। दोस्तों इसके अंदर दोस्तों ऑप्शन थे, ऑप्शन के अंदर लिखा था दोस्तों चांदी, चांदी, जिप्सम, जिप्सम लिखा हुआ था दोस्तों, चांदी और जिप्सम, चांदी, जिप्सम, लोहा और तांबा। दोस्तों ये चार ऑप्शन दिए हुए थे। दोस्तों ये बिल्कुल आपत्ति वाला प्रश्न है। आपत्ति वाला प्रश्न क्यों है दोस्तों? क्योंकि जो राजस्थान है वो चांदी और जिप्सम इन दोनों की आपूर्ति करता है 90% से अधिक। क्यों दोस्तों? 90% से अधिक आपूर्ति भी करता है और उत्पादन भी करता है। दोस्तों इसके प्रूफ कहाँ पे? इसके दोस्तों प्रूफ की बात करें, राजस्थान आर्थिक समीक्षा, राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2022 और 23। दोस्तों राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2022 और 23 उसके पेज नंबर दोस्तों 87 पे, पेज नंबर 87 पे स्पष्ट रूप से दोस्तों दिया हुआ है कि जो जिप्सम और चांदी है इन दोनों की 90% आपूर्ति है वो राजस्थान करता है और उत्पादन भी राजस्थान करता है। दोस्तों अगले आपत्ति वाले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, राजस्थान में कौन सा पेट्रोलियम भंडार क्षेत्र नहीं है। इसके दोस्तों चार ऑप्शन थे, घोटारू, रागेश्वरी, बंदेवाला और डांडेवाला। दोस्तों जो हाईकोर्ट ने इसका सही उत्तर माना है वो माना है बंदेवाला, ऑप्शन नंबर 3 माना है बंदेवाला। दोस्तों लेकिन जिसका प्रूफ है इसका सही उत्तर होगा डांडेवाला। क्यों होगा दोस्तों? इसका प्रूफ दिया हुआ है राजस्थान का भूगोल नामक पुस्तक के अंदर। इसके दोस्तों पाठ है ऊर्जा और संसाधन। इसके दोस्तों जो लेखक है वो है हरिमोहन सक्सेना और पेज नंबर 20 के अंदर दिया हुआ है दोस्तों इसका सही उत्तर है डांडेवाला। दोस्तों ये प्रश्न या तो डिलीट होगा या तो आपको बोनस मिलेगा, एक काम दोनों के अंदर से होगा। अगला प्रश्न है, मेवाड़ पर्यटन परिपथ से संबंधित पर्यटन स्थल नहीं है, कुंभलगढ़, नाथद्वारा, डूंगरपुर और माउंट आबू। दोस्तों इसके अंदर आपत्ति क्या है? आपत्ति दोस्तों इसके अंदर यह है कि तीसरा और चौथा जो डूंगरपुर और माउंट आबू ये दोनों दोस्तों मेवाड़ के अंदर नहीं है। डूंगरपुर एक अलग परिपथ है बांसवाड़ा वाला और माउंट आबू एक अलग परिपथ है। इसका प्रूफ कहाँ पे दोस्तों? प्रूफ है राजस्थान का भूगोल पुस्तक के अंदर। इसके दोस्तों लेखक है हरिमोहन सक्सेना। दोस्तों पेज नंबर 297 पेज नंबर 297 पे इसका सही उत्तर लिखा हुआ है कि दोनों इसके अंदर शामिल नहीं है। अगला दोस्तों आपत्ति वाला प्रश्न है, वर्तमान राजस्थान की कार्यपालिका के प्रमुख कौन है। इस प्रश्न की भाषा स्पष्ट है, स्पष्ट कैसे दोस्तों? अगर ये पूछता कि कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन है तो उसका उत्तर हो जाएगा राजस्थान का राज्यपाल कलराज मिश्र। और ये पूछता दोस्तों कि वास्तविक प्रधान कौन है तो वास्तविक प्रधान कौन है दोस्तों? अशोक गहलोत जो कि राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं। इसका दोस्तों प्रूफ कहाँ पे है? प्रूफ है दोस्तों जनक सिंह मीणा की पुस्तक है उसके अंदर पेज नंबर 20 पे दिया हुआ है इसका सही उत्तर। दोस्तों कैसा लगा आपको वीडियो? उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगेगा।